स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपके लिए हम लाए हैं यहाँ पर 20 से यहाँ पर 25 अक्टूबर 2020 का है करंट अफेयर, 20 से 25 अक्टूबर तक का बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर, साप्ताहिक करंट अफेयर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आज वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंची। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप भी अभी तक चैनल के ज्वाइन मेंबर नहीं बने हैं तो ज्वाइन मेंबर बन जाएं। आप क्या करना है, देखिए सब्सक्राइब जो बटन है उसके बाजू में आपके लिए लिखा होगा ज्वाइन, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन विकल्प आएंगे, तीन प्लान है वहां पर, आप जो सा भी प्लान वहां पर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लेना, और आप चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही सुपर यहाँ पर स्टडी मटेरियल पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती हैं ज्वाइन मेंबर के लिए। बहुत ही सस्ते प्लान दिए गए हैं आपके लिए वहाँ पर, और तो आप ज्वाइन मेंबर अवश्य बन जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन है क्या है, हाल ही में जिस सरकार राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लॉक बोर्ड योजना लागू की है, तो वह सरकार है कहाँ की है, तमिलनाडु। इस प्रकार आपकी यहाँ पर चार विकल्प नहीं दिए होंगे, बस एक ही विकल्प है, वन लाइनर यहाँ पर क्वेश्चन है आपके, तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्या है, जिस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंगसाइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है, तो यहाँ पर सही आंसर है नंदकिशोर सहन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और जिस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी, तो वह देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और भारत के बीच यह बैठक होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने जिस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने घोषणा की है कि जैसे देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी, तो वह कौन सा देश है, तो आपका यहाँ पर आंसर है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की जिस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वह कौन है, उन खिलाड़ी का नाम बताना है यहाँ पर, तो वह है जूलिया जॉर्जेस, यानी जो जूलिया जॉर्जेस हैं इन्होंने 31 साल की उम्र में जो है यहाँ पर टेनिस खिलाड़ी जो है इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, और यह जर्मनी की है। अगला क्वेश्चन है, कृषि कानून को लागू न करने यानी कि खारिज करने वाला राज्य बन गया है, तो कौन सा है वह राज्य, पहला राज्य बन गया है तो पंजाब है, विकल्प जो पंजाब है यहाँ पर राइट आंसर है कि कृषि कानून को लागू ना करने वाला राज्य है पंजाब। और अगला विकल्प है CBSE की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है, तो यहाँ पर आंसर है आपका आजीवन यहाँ पर सही आंसर है आजीवन। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत जिस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है, तो वह राज्य आपका हरियाणा यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत और जिस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवा को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है, तो भारत और भाई कौन सा देश है, तो भाई देश है बांग्लादेश आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पहली बार जिस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर पंचायती राज्य अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए जिस दूरसंचार कंपनी का चयन किया, तो वह कंपनी का नाम बताना है, वह कंपनी कौन सी है, तो वह कंपनी है नोकिया यहाँ पर सही आंसर है। देखिए
जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, इसने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए जिस दूरसंचार कंपनी का जो चयन किया है वह है नोकिया। और अगला क्वेश्चन है, भारत ने जिस एंटी टैंक गाइलेट मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है वह है नांग मिसाइल। नांग मिसाइल जो है इसका भारत ने हाल ही में अंतिम परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस IIT संस्था ने COVID-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है, तो किस IIT संस्था ने यह खोज की है? तो यहाँ पर आंसर होगा IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने जिस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ग्रैंड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है, तो आपके यहाँ पर आंसर होगा क्या है? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के जिस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया है तो वह कौन है? तेलंगाना के हैं, पहले गृह मंत्री हैं और इनका हाल ही में जो हैदराबाद यहाँ पर निधन हो गया है, नरसिम्हा रेड्डी, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने जिस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को पार्ले एग्रो जो कंपनी है इसने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है प्रियंका चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की जिस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर का हाल ही में निधन हो गया है तो वह है कौन है? विजय लक्ष्मी रमनन, यहाँ पर सही आंसर होगा विजय लक्ष्मी। और आपको एक चैलेंज प्रश्न दिया जाता है आखिरी में वीडियो के, तो जो भी उसका आंसर लिखता है उसका कमेंट अगले वीडियो में शामिल किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु जितने रुपए देने की घोषणा की है, तो यहाँ पर आंसर है $25 मिलियन। $25 मिलियन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जिस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ 4वें यानी कि 4थे स्थान पर रखा गया है, तो वह है भारत। भारत आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, इसको 4थे स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है तो किस दिन मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर आपका सही आंसर है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के जिस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी तो वह भारत का राज्य बताना है, तो वह राज्य है गुजरात। गुजरात जो राज्य है यहाँ पर सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह दिन है, तो आयोडीन विश्व अल्पता दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। इस 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पर आंसर है रोहन जेटली। रोहन जेटली जी हैं जो इनको दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगातार IPL के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी जो बन गए हैं वह कौन है? तो बताइए वह कौन खिलाड़ी हैं जो IPL में 2 मैचों में लगातार 2 शतक लगा चुके हैं? तो आपका आंसर होगा शिखर धवन। शिखर धवन आपका यहाँ पर सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्चा की सीमा को जितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, तो कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? तो आपका आंसर है 10% तक बढ़ा दिया है। और अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने हाल ही में जिस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है, तो यहाँ पर आंसर है अमेरिका। अमेरिका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, देखिए हाल ही में जिस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं गांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, तो यहाँ पर आंसर है बांग्लादेश ने। भाई जो बांग्लादेश है इसने ही नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है 26 मार्च को।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर यहाँ पर सही आंसर है। इनको 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट से के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वह है उमर गुल। कौन है? उमर गुल। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने 6 साल की मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है, तो वह देश है फिलीपींस। फिलीपींस आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के बताना है, तो डॉक्टर माइकल ईरानी। डॉक्टर माइकल ईरानी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजकिरण राय को हाल ही में जिस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वह संगठन है भारतीय बैंक संघ। कौन सा संघ है? भारतीय बैंक संघ। और राजकिरण राय को हाल ही में इस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो खिलाड़ी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया, तो पहला क्रिकेटर बताने यहाँ पर, तो कौन बन गए हैं? वह बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा दिया है, तो वह देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ने टिकटॉक पर लगे बैन को हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो वह दिन है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर याद रखना है, इसी दिन मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है, तो कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है, तो यहाँ पर आंसर होगा 75 रुपए। 75 रुपए का यहाँ पर सिक्का जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है, तो वह जो राज्य है वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान है जो इसकी शुरुआत की है, तो उत्तर प्रदेश के जो बलराम है यहाँ से इन्होंने शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह दिन है, तो कौन सा है यह बताना है, तो वह दिन है 17 अक्टूबर। याद रखना है 17 अक्टूबर जो दिन है इस दिन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल जब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 22 अगस्त 2021 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की है कि भारत ने जिस साल तक ट्रांसफैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है, तो किस साल तक यह बताना है, किस साल तक रखा गया है यह लक्ष्य, तो यह लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। कब तक? 2022। याद रखना है 2022 तक भारत ने जो है ट्रांसफैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में जिस देश को प्रथम स्थान मिला है, वह देश है बेलारूस। कौन सा देश है? बेलारूस जो देश है इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में यह प्रथम स्थान मिला है, तो वह देश है बेलारूस। और अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को जो स्थान मिला है वह मिला है 94, यानी कि 94वां स्थान मिला है भारत को। 107 देशों में से 107 देशों में से मिला है 94वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो वह देश है, कौन सा देश है वह, तो वह देश है भारत। भारत आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह देश जो फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह कि वह कौन सा देश है जो फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है, तो सिंगापुर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सिंगापुर जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, भारत सरकार ने जिस देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर एसी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वह देश है चीन। चीन को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है किसने? भारत सरकार ने, क्योंकि
जो रेफ्रिजरेटर वाली एयर कंडीशनर हैं, जो एसी हैं, इनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, वह हैं, तो वह हैं कौन? विशाल बी शर्मा। विशाल बी शर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विशाल बी शर्मा को यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। और ये है आपका क्या है, पिछले वीडियो का चैलेंज प्रश्न है। चैलेंज प्रश्न हमने आपके लिए दिया था कि भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? इस प्रकार चार विकल्प दिए थे। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर बताया था, यहाँ पर कमेंट में लोगों ने आंसर बताया था क्या है, मध्य प्रदेश। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है। और यहाँ पर देखिए कमेंट किया था इन्होंने, राज कपाड़िया जी ने मध्य प्रदेश लिखा है, और लेखराज जी ने भी यहाँ पर सोयाबीन का गढ़ मध्य प्रदेश को कहा जाता है, विजय कुमार ने लिखा है ए, यानी कि ये में क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो ए है यानी कि मध्य प्रदेश आपका सही आंसर है। और यहाँ पर शैलेंद्र ने इन्होंने लिखा है पंजाब, तो पंजाब नहीं है, यहाँ पर एमपी है, और यहाँ पर भी क्या है, एमपी है। तो इस प्रकार जो भी कमेंट में आंसर लिखता है तो उनके कमेंट यहाँ पर आपके लिए अगले वीडियो में शामिल किए जाते हैं। तो अब आ गई है आपकी बारी, और ये है आपका चैलेंज प्रश्न, क्या है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,200 मीटर, 8,848 मीटर, 8,500 मीटर, 9,000 मीटर। तो इस प्रकार चार विकल्प दिए हैं, और जो भी इसका आंसर विस्तृत लिखेगा, अच्छे से लिखेगा, तो उसका और कमेंट यहाँ पर आपका शामिल किया जाएगा। तो इस आज के वीडियो में बस इतना ही, कमेंट में आंसर जरूर बताओ। जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं, तो देखिए अगर आप लाइव क्लास चलती है और उसमें आप कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट सबसे पहले और ऊपर सबसे अलग हाईलाइट होगा, उसमें आपके लिए एक इमोजी दिया जाता है, तो आपका कमेंट सबसे अलग दिखता है। जो भी ज्वाइन मेंबर रहते हैं, ओनली ज्वाइन मेंबरों का, तो उनका जो कमेंट रहता है वह हाईलाइट होता है। और आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है, ग्रुप में आपका एक अलग से ग्रुप बनाया गया है, तो आप ज्वाइन अवश्य बन जाएं। आपके पास देखिए जो चैनल सब्सक्राइब है, इसके बाजू में लिखा है ज्वाइन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन प्लान खुलेंगे। यहाँ पर कौन कौन से प्लान है, देखिए जो सिल्वर प्लान है यह आपका 29 रुपए का है, गोल्ड प्लान है आपका 59 रुपए का, और एक और डायमंड प्लान सबसे बड़ा प्लान है जो 119 रुपए का। तो अब इस प्रकार आपकी तीन विकल्प, तीन प्लान दिए हैं, तो आप जो भी, ऐसा नहीं है कि आप कोई सा एक भी खरीद सकते हैं, कोई सा एक यहाँ पर प्लान खरीदेंगे तो आपके लिए यहाँ पर पैसे पे करने होते हैं, और मंथली यहाँ पर आपके लिए कटता है। तो पहले ही हमने आपके लिए बता दिया कि यहाँ पर मंथली लगता है, तो आप जो भी यहाँ पर प्लान खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं, और ज्वाइन बनकर आप बहुत सारे फायदे भी चैनल से ले सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों ने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। और आपकी क्लासें आज जो है शुरू हो चुकी हैं, आप सब क्लासें, और देखिए सबसे पहले आपकी आती है सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर, फिर इसके बाद आपकी अगली जो क्लास होती है 7:30 बजे इंडिया जीके का, यहाँ पर आपके लिए जीके लाया जाता है। फिर इसके बाद 3:20 पर आपकी होती है हिंदी की क्लास, जो एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई और एमपीपीएससी, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। और उसके बाद 4:05 पर आपकी क्लास होती है, कौन सी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान की, जीएस की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जाती हैं। और फिर आपकी आखिरी जो क्लास होती है वह होती है 11 बजे, यानी कि जीके का डोज, यहाँ पर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जीके का डोज होता है, और ट्रिक के माध्यम से आपके लिए समझाया जाता है। तो इस प्रकार आपकी इतनी क्लासें हैं जो टिप टॉप यूट्यूब चैनल पर आपके लिए फ्री में उपलब्ध हो रही हैं। और अगर आप इन सब की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप आज ही ज्वाइन मेंबर बन जाएं, और आपके लिए जो ग्रुप रहता है उसमें आपके लिए स्टडी मटेरियल, पीडीएफ जो सब रहती हैं आपके लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, और बहुत सारे फायदे हैं ज्वाइन मेंबर के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और जब तब तक के लिए जय हिंद।